अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता में लिप्त यह जमीन का टुकड़ा श्योपुर गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है। सुख दुख के जंजाल से कोसों दूर ये जगह किसी देव भूमि का आभास करवाती है। यहाँ आधुनिक विस्तारवाद की कोई चहल पहल नहीं है, न ही कोई ऊंची ऊंची इमारतें, न ही कोई टावर। यहाँ की हवा, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान सभी में एक ही स्पंदन है और वो है हरिओम तत्सत। यहाँ आने पर लगता है कि हम अपने आप से मिल रहे हैं। इस अद्भुत जगह पर हजारों गौ माताओं का निवास है। जी हाँ, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है ये श्योपुर गौशाला। बरसों पहले यहाँ एक जंगल था, फिर लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू के संकल्प से कत्ल खाने ले जाने वाली गायों के लिए एक संघर्ष किया गया और उन गायों को यहाँ बसाने की व्यवस्था की गई। गौशाला में सन 2000 से रहता हूँ। यहाँ से हम शुरू में जब गाय लेके आए थे निवाई गौशाला से, उस टाइम यहाँ अपने सोपुर में गौशाला नहीं थी, न जमीन खरीदी हुई थी, हम जंगल में से रहते थे। गायों के लिए यहाँ एक आशियाना तैयार किया गया। 100-200 गायों से शुरू हुआ ये आशियाना आज हजारों गायों को पनाह दे रहा है। इन गायों की देखरेख के लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने आश्रम के कुछ सेवादारी भाइयों को कार्यभार सौंपा और तभी से ये सेवादारी भाई इन गायों की सेवा को भगवान की पूजा समझते हैं और दिन रात इसी पूजा में तल्लीन रहते हैं। इन गायों की बां बां के कई अर्थ हैं। किसी बां का अर्थ है हमें घूमने जाने दो, किसी बां का अर्थ है हमें पानी से खेलने दो, तो किसी बां का अर्थ है हमें प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेने दो। इनकी बां के सभी अर्थ बापूजी के ये सेवादारी बखूबी समझते हैं, इसीलिए इन गायों की एक दिनचर्या बना दी है जिसमें इनके घूमने फिरने का समय थोड़ा लंबा रखा गया है। अपने आशियाने से निकलकर जंगल में दूर दूर तक विचरने जाती हैं। पूरे जंगल में ऐसे फैल जाती हैं ये गौ माताएं मानो सारी धरती की ये मालकिन हो और सारी सत्ता इन्हीं की हो। जहाँ तक मन करता है वहाँ तक दौड़ती हैं, जहाँ मन भाता है वहाँ चरने लगती हैं, जैसे मन करता है वैसे टहलती हैं। इन्हें मालूम है कि ये आज लावारिस नहीं है। इनकी सेवा में एक आत्मवेता संत ने अपनी फौज लगा रखी है। गाय की सेवा सर्वोपरि साधना है और इससे गाय की सेवा में अगर तन मन को लगा दिया तो और साधना की आवश्यकता है ही नहीं। मनमानी तो देखिए हमारे कैमरे पर ही लपक पड़ी। अरे भाई, ये तुम्हारा चारा नहीं है, ये हमारा कैमरा है। तुम्हारा चारा तो ये रहा। भूसा, दलिया व अन्य कई तरह की चीजें मिलाकर इनके लिए पौष्टिक आहार तैयार किया जाता है। इस पूरी गतिविधि में बापूजी ने कई लोगों को लगा रखा है। बाहर खुले वातावरण में घूम घूम कर चारा चरने के बाद ये गौ माताएं अपने आशियाने में लौट आती हैं, जहां इनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार रखा हुआ है। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये अपना भोजन ग्रहण करती हैं। कोई तू तू मैं नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर आकर अपना स्थान ग्रहण करती हैं और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। सड़क पर इधर उधर घूमती गायों को एक सुंदर जीवन मिले, ऐसी सोच बापूजी के अलावा और हो भी किसकी सकती है। खा पीकर अब पचाने के लिए फिर घूमने जाने का समय हो गया है। कुछ ये गाय अपने बछड़ों का ख्याल करती हैं, तो कुछ घूमने में दिलचस्पी रखती हैं।
इनमें से कुछ गाय दूध भी देती हैं। 2,250 में 150 गाय दूध वाली है, बाकी तो सब बिना दूध वाली है। हालांकि दूध देने वाली गाय यहाँ नाम मात्र की ही है, फिर भी जो गाय दूध देती हैं, उनके नखरे भी ये सेवादारी भाई बखूबी झेलते हैं। बापूजी के सेवादार गायों की सेवा ऐसे करते हैं मानो किसी मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा हो। इन गायों के स्वास्थ्य की जांच के लिए यहाँ विशेषज्ञों को समय समय पर बुलाया जाता है। हम लोग यहाँ पे आशाराम बापू गौशाला जेंगदा पे इस समय खड़े हुए हैं और यहाँ हम लोग गाय और इनके बछड़ों का इलाज के लिए समय समय पर जब भी आश्रम के व्यवस्थापक है उनको आवश्यकता पड़ती है हम लोग यहाँ आते हैं। गायों को कभी गिरने की समस्या आ जाती है, कभी घाव संबंधी समस्या आ जाती है, इसके लिए जब भी जहाँ आश्रम से सूचना प्राप्त होती है तो हम जा करके उनको गायों को उचित ट्रीटमेंट करते हैं। पास के जंगल में रानीपुरा गांव में भी एक और व्यवस्था बनाई गई है जहां कुछ अन्य गायों को रखा गया है। इन गौ माताओं को भी वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। जंगल में 27.5 बीघा जमीन खरीदा, वहाँ भी बोरिंग भी बनाया और वहाँ भी गौशाला बनी हुई है। अब आप बताएं जंगल में दिक्कत तो बहुत सारी आती है, ये तो बापू जी के असीम कृपा के बिना तो यहाँ पे इस जंगल में संभव ही नहीं है रहना। फिर अब यहाँ भी ऐसा टिन शेड और बोरिंग करवा दिया, जनरेटर से चलता है, पानी वानी जनरेटर से दिए गए और यहाँ शांति से चल रहा है सब। यहाँ भी बापूजी ने गायों की देखभाल के लिए सेवादारों को जिम्मेदारी सौंपी है जो बखूबी निभा भी रहे हैं। जंगल में खूब बढ़िया चढ़ती है, खुले मैदान में बैठती है, बढ़िया खूब बढ़िया हिस्पेट गाय है। ग्वालों को एक समय का भोजन बांध कर दिया जाता है ताकि वो गायों को घूमने चरने के लिए ले जाकर सुरक्षित वापस गौशाला तक ले आएं। अब हमारी गाय का समय हो गया है, हम गाय चराने जा रहे हैं, भोजन बांध लिए हैं और अब हमें यहाँ से 6-7 किलोमीटर घूम के आएंगे। पूरा दिन में सब ग्वाल लोग तैयार हो गए, रोटी वोटी बांध के। इन हजारों गायों की कुछ टोलियाँ बना दी जाती है जो कि अलग अलग दिशाओं में घूमने चरने जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में चरने घूमने का आनंद इनके हाव भाव में झलकता है। सेवादारी इनकी हर तरह की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। 6-7 टोले रहते हैं तो ऐसे चारों तरफ जंगल में चढ़ते रहते हैं और सुबह शाम तो गाय के साथ मिलेंगे ना रास्ते में, गाय भी बड़ी तृप्त रहती है और जो दर्शन करता है उसको तृप्ति मिलती है, बात्सल्य मिलता है क्योंकि उनका पेट भर जाता है भरपूर। इस जंगल में गाय बड़ी स्वस्थ भी हो जाती है और गाय एकदम प्राकृतिक वातावरण मिलता है तो उससे ही मजबूत होती है। बरसात में खुला जंगल में गाय चरती, हरा चारा और हम भी घूमते साथ में, बहुत आनंद आता है। यहाँ जंगल में बारिश के दिनों में हरा घास गाय को पर्याप्त मिलता है और कई प्रकार के जड़ी बूटी खाने को मिलते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और स्वस्थ और निरोग रहती है, पुष्ट रहती है।
जंगल में रहकर गायों को सुविधा दिलाने वाले सेवादारी स्वयं कैसे रहते हैं आप देख लीजिए। बारिश खत्म होने के बाद जैसे यहाँ पानी खत्म होता है चारा, तो अपने जहाँ पानी होता है इधर यहाँ से कहीं सोनदा करके हैं, कुंडेला है, और इधर राजपुर साइड निकलते थे गाय को लेके जहाँ चारा पानी होता था। और गर्मी के दिनों में फिर गाय को इधर ले जाते हैं हमें नोएडा जिला में, अलीगढ़ जिले में, मथुरा जिले में, और वहाँ जाती है ईटा जिला में, ईटा मैनपुरी उधर चरा के लाते हैं। कभी चार महीना पौनी चार महीना उधर जंगल में उधर चरा के लाते हैं, फिर गंगा किनारे भी चले जाते हैं। कोई कोई टाइम पे पानी नहीं मिलता है तो गाय के साथ साथ घूमते रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बतौर ग्वाला यहाँ रोजगार भी दिया जाता है। 7-8 साल से कर रहे हैं यहाँ, और कपड़े भी मिलते हैं और भोजन भी मिलता, खाने को दूध भी मिलता, पैसे भी मिलते, रोजगार भी मिलता। नफे नुकसान के ताने बाने से दूर प्रकृति, संस्कृति व धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा आत्मवेता संत के अलावा शायद ही कोई सोच पाता हो।